After not so successful Logi in the MPV segment, Renault लेकर आई है एक और MPV. ये है सब फोर मीटर MPV, जैसे कि कहा गया है Renault Triber. आज इसका ग्लोबल डेब्यू हुआ है भारत में. क्या कुछ खास है इसमें, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के डिजाइन से, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्रंट से देखने में आपको एक क्विड की थोड़ी याद दिलाती है, क्योंकि क्विड जैसी सी है. हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, ग्रिल जो है थोड़ी रिवाइज की गई है, बम्पर जो है ऑफकोर्स उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बोनट जो है वो थोड़ा रिवाइज किया गया है. इनफैक्ट ये जो ओवरहैंग आप बोलेंगे वो बहुत कम है. यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं. यहाँ पर अगर आप इसका अपर वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको LED डेटा रनिंग लाइट मिलते हैं, बट फॉग लैम्प जो है वो यहाँ पर मिसिंग आपको लगेंगे. अगर आप गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ओवरहैंग्स जो हैं वो काफ़ी कम है, और वो इसलिए क्योंकि गाड़ी को 4 मीटर से कम लेंथ का रखना था, और जो व्हील बेस है 2636 mm का, जो कि काफ़ी बड़ा है, उसे भी अकोमोडेट करना था. तो दैट्स हाउ दे डिड इट. बाकी आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे गाड़ी के टॉप एंड वेरियंट में. उसके नीचे वाले जो वेरियंट है उनमें 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे विद अ व्हील कैप, और एक ऑप्शनल के तौर पर आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे. गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm है, जो कि एक कॉम्पैक्ट MPV के स्टैंडर्ड से डिसेंट है. कमिंग टू द इंजन, आपको Renault Triber के साथ में एक लीटर का 3-सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि 72 PS मतलब लगभग 71 BHP की मैक्सिमम पावर निकालेगा और 96 Nm का मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा. ये इंजन आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-स्पीड AMT दोनों के साथ ऑफर किया जाएगा. अब ये वो इंजन नहीं है जो कि क्विड के साथ में आता है. ये इंजन ग्लोबल इंजन है, एनर्जी सीरीज का इंजन है, और ये Renault Clio एक ग्लोबल मॉडल है उसके साथ में आता है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, और ये एक एंट्री लेवल MPV के तौर पे आने वाली है. उसके हिसाब से अगर आप क्वालिटी लेवल्स की बात करेंगे तो ख़राब नहीं है, एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है. डुअल टोन टाइप में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कलर ट्रीटमेंट है. यहाँ पर आपको ग्लॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ग्रे कलर में दिया गया है. ये पूरा जो है ऑल्दो हार्ड मटीरियल है, बट देखने में जिस सेगमेंट में आ रही है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी लग रही है. अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो प्लेन सी दी गई है. कोई भी ऑफकोर्स आप उम्मीद नहीं करते हैं कि ये रैप किया जाएगा इसे लेदर से, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है. आप इसे डिल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स टेलीस्कोपिक तरीके से आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. उसके अलावा जो हाईलाइट है यहाँ का, वो है इसकी टच स्क्रीन. 8 इंच की टच स्क्रीन आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करेगी. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत से लोगों को पसंद आएगा. और यही जो है यूनिट वो डबल अप हो जाती है एज रिवर्स पार्किंग कैमरा. तो कहने का मतलब रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसके ऊपर वाली रेंज में दिया जाएगा, अलॉन्ग विद रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो कि ऑफकोर्स स्टैंडर्ड भी होगा. इसके अलावा अगर आप AC कंट्रोल के बटन्स की बात करेंगे तो ये सर्कुलर टाइप के दिए गए हैं, बहुत सी गाड़ियों में देख चुके हैं वैसा सा ही है. हालांकि क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है, बट अगेन एंट्री लेवल कार है, उसके हिसाब से अच्छी क्वालिटी है बटन्स की भी. यहाँ पर आपके लिए एक स्पेस दिया गया है जहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हैं. इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि मेरे को लगता है कि अर्गोनॉमिकली प्लेस्ड है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी यहाँ पर. यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस दिया गया है. इसके नीचे अगर आप बात करेंगे, एक USB पोर्ट भी दिया गया है और ऑक्स पोर्ट भी दिया गया है. उसके अलावा अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स भी बहुत बड़ा है. इनफैक्ट कंपार्टमेंट्स में बना रखा है कि यहाँ पर आप एक एडिशनल सामान रख पाएंगे. यहाँ पर आप कुछ एडिशनल सामान रख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं. हालांकि छोटी बॉटल्स हम यहाँ पर रख पाएंगे, बट इंटरेस्टिंग एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो एक पोर्शन है इसके नीचे स्पेस दिया गया है और ये कूल्ड है. और मैं हूँ Renault Triber की रियर सीट में, और जो चीज़ आप यहाँ पर भी नोटिस करेंगे वो है इसका स्पेस, और उसका क्रेडिट जाता है इसके व्हील बेस को. 2636 mm का व्हील बेस है, जो कि अगर मैं रेफरेंस के तौर पर बताऊँ तो Hyundai Creta से ज़्यादा है, XUV300 से ज़्यादा है. तो कहने का मतलब आपको स्पेस भर भर के दिया है, और जो चौड़ाई भी है इस गाड़ी की अगर आप क्विड से कंपेयर करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक अच्छी 5-सीटर है, पीछे वाली सीट पे 3 लोग आसानी से आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा चौड़ी है. लगभग 40 से 45 mm उससे ज़्यादा बड़ी है ये चौड़ाई के मामले में, तो इसी वजह से 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप इसके लेगरूम की बात करेंगे तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट लेगरूम ऑफर करती है. इनफैक्ट बेस्ट 20 सेगमेंट लेगरूम की अगर आप बात करेंगे तो वो यहाँ पे आपको मिलता है. और एक और चीज़ बहुत खास है इस गाड़ी की, वो है इसकी फ्लेक्सिबल सीटिंग. अगर आप इसको फोल्ड करना हो तो आप इसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, और आप इसे इस तरीके से भी टम्बल अप कर सकते हैं. कहने का मतलब बहुत सारा स्पेस आपके लिए क्रिएट हो गया. अगर आप किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी. गाड़ी का जो हेडरूम है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है. कहने का मतलब आप अच्छी खासी हाइट के भी होंगे तो कोई परेशानी आपके लिए नहीं होगी. हालांकि थाई सपोर्ट जो है अगेन फ्रंट सीट्स के जैसे ही यहाँ पर भी कम है,
अब जो थर्ड रो ऑफ सीट है वो भी आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि रिमूवेबल टाइप होगी। तो वैसे इसको 7 सीटर बोला गया है, बट आप इसे 5 सीटर के तौर पे अगर आप ले रहे हैं तो 625 liters का आपको बूट स्पेस जो मिलता है इस गाड़ी के साथ में, वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी रेनो ट्राइबर, रेनो की पहली सब 4 meter MPV, मतलब कॉम्पैक्ट MPV आप बोल सकते हैं। स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस में कैसी है उसके बारे में हम इसे चलाने के बाद ही बता पाएंगे। तो अभी जितना दिखा है मुझे उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस ये अपने लिए बना सकती है अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी होती है, जो कि सेकेंड हाफ में हमें उम्मीद है बताई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है आपके तो हम कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी इन केस हम थोड़ा लेट हो जाते हैं तो हर थर्सडे को आप हमारे हमें लाइव कैचअप कर सकते हैं, लाइव Q&A सेशन के लिए रात को 9 बजे हमारे ऑफिशियल हैंडल @ इंडिया कार न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।